अभी मैं कर रहा था वीडियो एडिट, और आपको बता दूं मैं कैसे वीडियो एडिट करता हूं। ये है अपना लैपटॉप और इसकी स्क्रीन को मैं यूज़ करता हूं यहां पे, ठीक है। ये अपनी सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, हम इन्हीं को फिल्मोरा में यूज करके हम इनको एडिट करके, और ये वीडियो जो आप देख रहे हो हम इसी को एडिट करेंगे। इसी के ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो आओ देखते हैं कैसी वीडियो रिकॉर्ड हुई है और एडिट हुई है। तो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे भाई, ठीक है। चलो चलते हैं। राम राम भाई, सब ना क्या हाल है। तो आज है छुट्टी, सैटरडे का दिन है, और यार ये छुट्टी का दिन इतना बोरियत का क्यों होता है, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि ये अपने आने वाली छुट्टियों के दिनों में हमें बोरियत फील ना हो, इसलिए हम आज कुछ नया करते हैं। नया क्या मतलब कि पुराना ही है, उसको हम दोबारा से यूज में करने के लिए कुछ कमियां हैं उसको पूरी करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर वो चीज़ लेके, वो आपको तो हम दिखाते हैं क्या है। उसके लिए हम पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हम हो गए हैं तैयार, देखो लोअर स्वेटशर्ट सब रेडी। तो मैं बताऊंगा नहीं कि हम किस चीज़ के लिए हैं, आपको दिखा देते हूँ। देखने के लिए तैयार हो ना, मुझे थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, अच्छी लगे ना। मार्केट में जा रहे हैं, कुछ देख के ऐसे बोला कि वाह क्या मूछ है, मूछ हो तो आप जैसी हो, नहीं तो हो ही ना, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो गाइस ये है अपना साइकिल, जो कि जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी, और उसी टाइम मैंने ये लिया था। तो इसमें फिर ये थोड़ा रूटीन में स्टाम मतलब ऑफिस वगैरह चालू हो गए थे, तो उस टाइम मैंने फिर साइकिलिंग करना कर दिया था बंद। तो अभी हम फिर से इसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा मिस कर रहा हूँ साइकिलिंग को मैं, और इसमें कुछ खड़े खड़े है ना कमियाँ आ गई हैं। एक तो जैसे हवा कम हो गई है पीछे वाले टायर में, ठीक है, आगे वाले में बिल्कुल कम है, और थोड़ी इसकी इसमें भी कभी कभार दिक्कत आ जाती है गरारी में, क्या होता है कि ये कट मार देती है इसमें ना, झटका लगता है। और ब्रेक वगैरह अच्छी है अभी तक इसकी, डिस्क वगैरह दोनों डिस्क ब्रेक हैं, देखो आगे वाले भी और पीछे वाले भी। और ये है 9x3 में, 9 गरारी यहाँ हैं, 3 गरारी आगे, तो काफ़ी स्मूथली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपको दिखाते हैं ये अभी भी वैसे कैसे चलता है, पहले इसमें थोड़ी सी हवा करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा दबे जाए फिर भी सर्विस। बड़ा
मज़ा आया यार, कई दिनों बाद साइकिलिंग करी है। तो साइकिलिंग मैं कैसे करता हूँ, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। सभी के पास साइकिल है ही होगी लगभग, जिसके पास है। आगे होती हैं तीन ही गरारी होती है नॉर्मल, जो गियर वाली साइकिल होती है। पीछे क्या है कि 5, 7 और 9 में ही आती है, जिस तरह मेरे पास है 9 गरारी में, 9 गरारी हैं पीछे। और नॉर्मली जब नॉर्मल मुझे चलाना होता है, नॉर्मल जिस तरह नॉर्मल हम चलाते हैं थोड़ी बहुत देर, या समतल पे चलाते हैं, तो आगे तीसरी पे रखता हूँ, मतलब बड़ी वाली गरारी पे रखता हूँ। और पीछे रखता हूँ मैं तीसरी गरारी पे, नीचे से जो तीसरी गरारी है उस पे रखता हूँ। बिल्कुल काफ़ी स्मूथली साइकिल चलता है उस टाइम। और जब आपको मतलब कि ऊँची पे चढ़ना है तो पीछे से 5 पे कर लो और आगे से दूसरे पे कर लो, मतलब बीच वाली गरारी पे। उस टाइम आपको काफ़ी आसान, मतलब कि ऐसा लगता है कि जोर ही नहीं लग रहा है जब आप चढ़ाई पे साइकिल चढ़ा रहे हो, चाहे हल्की हो या ज़्यादा। जिस तरह नॉर्मली हाईवे पे आप साइकिल चला रहे हो ना, उस टाइम काफ़ी ईजी होता है, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगता उस टाइम। तो कमेंट करके बताओ आपके पास कौन सी साइकिल है, और उसको 3x7 में है, 5 में, 3x5, 3x9 और किस उसमें है वैरायटी में, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।